हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। स्टूडेंट्स, बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया। आज हम देखने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब भी आपको कोई भी दो इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अकर और आइदर ए और बी विल अकर, तो उस वक्त हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या सिंपली लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। दो इवेंट्स और तीन इवेंट्स के लिए है। फॉर ए एंड बी, दो इवेंट्स अगर होती है तो हम लिखते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है बच्चों विदाउट प्रूफ हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है? इसकी प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स ऑब्जर्व करने हैं। अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन हमें पता है अगर कोई भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनका इंटरसेक्शन होता है एम्प्टी सेट होता है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी अगर कहते हैं तो पी ऑफ एम्प्टी सेट पी ऑफ आई इज ऑलवेज जीरो। तो ये स्टेटमेंट जो है उसके अंदर हमें रिजल्ट मिलेगा, टेक्निकली पी ऑफ ए यूनियन बी विल बी नथिंग बट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है? ये हम अप्लाई कर सकते हैं वन के अंदर। मगर उसके साथ अगर कंडीशन दी जाए कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो कहते ही हैं, एंड एग्जॉस्टिव कहा जाए उसके साथ साथ, इसका इस्तेमाल भी हमें करना पड़ेगा कभी कभी, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं, ठीक है? देन हमें पहला हिस्सा तो पता चल ही चुका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जीरो होगा, बट एज वी नो एग्जॉस्टिव हो तो ए यूनियन बी होता है यू एग्जॉस्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस यू दैट विल बी ऑलवेज वन, ठीक है? तो ये वन एंड जीरो रख देते हैं, यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन, तो हमें रिजल्ट मिल जाता है दैट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू वन, ठीक है? तो ये दो इवेंट्स के लिए हुआ एडिशन लॉ ऑफ एडिशन और प्रोबेबिलिटी। वैसे ही अगर तीन इवेंट्स हो, ठीक है, तो सेकेंड केस हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसे हम कह सकते हैं हमारा फर्स्ट केस। फॉर ए बी एंड सी अगर तीन इवेंट्स दी जाती है तो उसके लिए भी स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास, तो उसमें हम कहते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। पहले जैसे दो इवेंट का टोटल था वैसे यहाँ पे तीनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल है। अब इंटरसेक्शन यहाँ पे दो ही इवेंट का था, अब यहाँ पे याद रखना है बच्चों वी हैव थ्री पेयर्स ए इंटरसेक्शन बी, देन बी इंटरसेक्शन सी, देन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी। ये दो दो इवेंट वाला पार्ट माइनस करना है एंड लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन उसे हम प्लस करेंगे, तो ये स्टेटमेंट बन जाता है बच्चों फॉर थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया ए बी सी में कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी नहीं बताया गया। अगर बताया जाए कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, अकेला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया जाए बच्चों तो इंटरसेक्शन सभी के जीरो हो जाएंगे, एंड अगर एग्जॉस्टिव भी बताया जाए, एग्जॉस्टिव के लिए जितनी भी इवेंट्स हैं, देन हमें पता होगा अभी अभी हमने कहा इंटरसेक्शन सभी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी जीरो, चाहे वो दो इवेंट्स हो चाहे वो तीन इवेंट्स हो, क्योंकि कोई भी साथ में अकर नहीं करते तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। एंड एग्जॉस्टिव के लिए याद रखना है जितनी इवेंट्स हो, तीन इवेंट्स है तो तीनों का यूनियन ही यू होना चाहिए, कोई भी दो का यूनियन यू नहीं हो सकता, आई मीन सैंपल स्पेस, तो वहां पे वन रखते हैं। तो इसके लिए भी हमारा फॉर्मेट बन जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इज इक्वल टू वन। अगर अकेला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया जाता है तो इसमें जैसे पहला रिजल्ट देखा वैसे लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो अब देख लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पांचवा सम, जिसके अंदर क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी का यूज करना है, तो हमको देंगे क्वेश्चन के अंदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट करके दिया हुआ है, इट इज नथिंग बट सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज मल्टीपल ऑफ टू और थ्री। और वर्ड यूज किया जाए तो यूनियन हो तो और समझा जाता है, इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज किया जाता है, ठीक है? तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो बच्चों हमें इस
एग्जाम्पल के लिए सैंपल स्पेस पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। दो डाइस अगर थ्रो करते हैं, टू डाइस आर थ्रोन, टू बैलेंस्ड डाइस आर थ्रोन, देन देन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, जिसे हम n भी कह सकते हैं, उसके लिए 6:2 फॉर्मूला है। जितने भी डाइज हो, दो है तो 6² यानी क्या होगा 36, तो हमारा n हमें मिल जाएगा। अब हमें इवेंट के नामकरण करने, यानी 2 और 3 है, यानी a यूनियन b कह सकते हैं। यानी पहली इवेंट को हम नामकरण करेंगे कि कंसिडर a, a इज इक्वल टू इवेंट दैट द सम ऑफ numbers on two dice is a multiple of 2। बच्चों multiple of 2 का मीनिंग क्या होगा, दो का टेबल बोलना है। और हमें पता है स्टार्टिंग होता है 1-1 से डाई में, ठीक है, डाइस में, तो 1+1 2 होता है। लास्ट में जो पैर मिलती है वो होता है 6-6, यानी 12 तक हमें जाना है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 इतने टोटल मिले। वैसे सैंपल पॉइंट्स हम इकट्ठा करने वाले हैं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग विथ 2, तो 1+1 2 होगा, 1+2 नहीं ले सकते, 1 3 लेंगे, 1 4 नहीं लेंगे, 1 5, यानी दोनों ऑड नंबर आप लोगे तो हो जाएगा, 1 वाली लाइन खत्म होगी, 1+6 तो हो जाता है तो बाद में ख़त्म, 2+2 लेंगे, देन 2+4 एंड 2+6। सिमिलरली 3+1 यानी 4, 3+3 यानी 6, 3+6 यानी 9, ठीक है, 3+3 6, फिर हमें मल्टीपल ऑफ 2 लेना है, 3+5 यानी 8, देन आएंगे 4 2, ठीक है, 4 4, देन 4 6, देन हम आएंगे 5 1, 5 3, 5 5, हमें टोटल 12 तक जाना है, देन आएगा 6 1 नहीं ले सकते, 6 2, देन आएगा 6 4, एंड लास्ट में आएगा 6 6। तो काउंट कर सकते हैं 4 4 8 4 12 4 16 और 2 18। तो फेवरेबल केसेस हम कह सकते हैं, पी ऑफ एम के लिए हम 18 लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वो हमें मिल जाएगा m/n, यानी 18/36। इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करने वाले हैं, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें डिनोमिनेटर हम सेम रखेंगे ताकि सीधा प्लस माइनस करके एलसीएम ले सके। एक काम हो गया, अब दूसरा है 3। तो अब हम बी इवेंट लेने वाले हैं, दैट इज इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज अ मल्टीपल, डिविजिबल भी कह सकते हैं, मल्टीपल भी कह सकते हैं। मल्टीपल ऑफ क्या लेने वाले हैं अब हम, 3, यानी इवेंट ए हो गई, बी हो गई, फिर हम ए एंड बी लेंगे इंटरसेक्शन, यानी 3 का मल्टीपल, यानी टेक्निकली हम कहेंगे 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। तो इसके अंदर इवेंट के अंदर 1+2 आएगा, 1 2, हमें 3 लेना है, उसके बाद सीधा 6 लेना है यानी 1 एंड 5, देन 2 एंड 1 लेंगे, फिर 6 लेना है 2 एंड 4। अब आगे बढ़ते हैं 3, तो 3 के साथ 3 3 6 3 के साथ 6, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 4 4 के साथ 2 4 के साथ 5 भी लेंगे, 9 भी लेना है, देन 5 के साथ 1 5 के साथ 4, लास्ट में उसी तरह से 6 के साथ 3 एंड 6 के साथ 6। तो टोटल मिला के 4 3 7 3 10 और 2 12 एलिमेंट्स हुए यहाँ पे इवेंट बी में। तो m इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कहना है तो हम कह सकते हैं m/n यानी 12/36। अब तीसरा हिस्सा है a और b, एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, तो इंटरसेक्शन भी चाहिए, यानी a इंटरसेक्शन b में हम यही कहने वाले हैं, दैट इवेंट ऑफ गेटिंग लिख सकते हैं, या इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। 2 एंड 3 का मीनिंग होता है 6 के मल्टीपल होना, 6 के मल्टीपल में तो क्या आएगा, खाली 6 एंड 12, ठीक है। तो 6 एंड लिखने की भी जरूरत नहीं है,
कॉमन भी निकाल सकते हो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे कॉमन, तो आप दोनों में से देख भी सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो 6 एंड 12 के लिए डायरेक्टली भी सोच सकते हो 6 कब मिलेगा, तो 1 5 होगा 6, देन 2 4 में होगा 6, देन 4 2 में, 3 3 में होगा 6, देन 4 2 में होगा 6, 12 तो हमें एक ही बार मिलने वाला है, ठीक है। देन 5 1 में होगा 6, ठीक है, फिर आप कॉमन ऑब्जर्व करो तो भी चलेगा, एंड लास्ट में देख सकते हो दोनों में कॉमन होगा 6 एंड 6, ठीक है। तो टोटल हमारे पास एलिमेंट 6 मिलते हैं, m इज इक्वल टू 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b दैट इज m बाय n यानी 6/36। अब फाइनली जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। 2 यानी ए के लिए बताया, और यानी यूनियन डी के लिए बताया, आप सभी की वैल्यूज रख देनी है। सो 18/36 प्लस 12/36 माइनस 6/36, सो अल्टीमेटली एलसीएम 36 होगा, 18 + 12 - 6 ये होगा 18 + 12 - 6 यानी 24/36। सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3। सो ये जो है बच्चों वो हमने एग्जैक्ट यूज़ किया हमारे एडिशन लॉ का, ठीक है, ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं अब। और तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, सम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। यहाँ पे बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बताया गया है, ठीक है। तो एज वी नो दैट हियर ए बी एंड सी, अभी आगे हमने आज के सेशन में ही देखा है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो उसकी वजह से हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे, एग्जॉस्टिव हो तो तीनों का यूनियन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, दो के यूनियन के लिए कुछ भी कहा नहीं गया, यानी वही हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सबसे पहले तो पी ए पी बी मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने हमें कंडीशन दी है, तो सबसे पहले हम इसे कंसिडर करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है एक दूसरे के फॉर्मेट में दिए जाइए, इक्वेशन टाइप दिया जाता है जब, तब भी हम उसे कंसिडर कर लेंगे एज एक्स, और हर एक हिस्से को x के साथ कंपेयर करो, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज 4 times PA इज इक्वल टू x, तो p ऑफ a इज इक्वल टू लिख सकते हैं x/4। सिमिलरली 5 times प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज ऑल्सो x, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज x/5, एंड 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ c x है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c क्या होगा, x/3। अब ये तीनों को यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, सो देयरफॉर x/4 + x/5 + x/3 = 1। तो लिखना तो लिख सकते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन रिजल्ट नंबर 1, ठीक है, जो हमने रिजल्ट अभी ऑब्जर्व किया उसमें रख दिया। LCM ले लेते हैं, 60 विल बी द LCM, ठीक है, 60 LCM लेंगे, तो 15x प्लस 5 है सो 12x प्लस 3 है तो 20x विल बी एग्जैक्टली 1, तो 47x/60 = 1। तो हमें x की वैल्यू अगर मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी इजीली मिल जाएगी, x इज इक्वल टू हम लिख देंगे सिंपली 60/47, ठीक है। तो x आ चुका है, अब हमने यहाँ पे अज्यूम किया था हर एक पार्ट के ऊपर से हमें a, पहले a मिलेगा, 4 times probability of a is x, ठीक है, या सीधा हम कहते हैं pa इज इक्वल टू x/4 में रख दो तो भी चलेगा, तो दैट इज 60/47/4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, सो वो होगा 15/47। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b, उसमें x/5 है तो x की जगह पे 60/47/5, तो ये होगा 12/47, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट c कहते हैं दैट इज x/3,
तो 60 / 47 उसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो वो होगा 20/47। ठीक है, तो ये तीन प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है। अब हमें फाइंड करना है पी ऑफ ए यूनियन सी, कोई भी दो का यूनियन पूछा जाए तो हम यूज़ करेंगे एडिशन थियरम, लॉ ऑफ एडिशन, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। एंड एज वी नो इंटरसेक्शन तो जीरो ही होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए सभी इंटरसेक्शन जीरो होते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 15/47, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू है 20/47, ये होगा जीरो एज ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कंडीशन यही रहती है, दो यूनियन पूछे तो आपको खाली यही करना है। सो 35/47 ये होगी बच्चों प्रोबेबिलिटी हमारे पी ऑफ ए यूनियन सी की। सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी या ए यूनियन बी पूछे तो यही काम करना है हमें, कोई भी दो हिस्सों का प्रोबेबिलिटी का पार्ट पूछ सकते हैं। एंड अगेन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, पी ऑफ बी अरे 12/47 एंड दिस इज 20/47, तो आंसर होगा 32/47। और यहाँ पे अगर रीजन मेंशन करना है तो सेम लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये हमारा, खास ध्यान रखना है, कोई भी दो का यूनियन आपको इसके ऊपर से पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट एग्जांपल ऑफ द सेशन। तो बच्चों क्वेश्चन जो है थोड़ा तूफानी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। हमें बताया गया है कि टीनेजर अगर जाता है रेस्टोरेंट में तो इवेंट के नाम दे देते हैं। ठीक है, ए अगर हम कह देते हैं इवेंट दैट टीनेजर ऑर्डर्स अ पिज्जा, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताई गई है विच इज 60.63। दूसरा बताया गया है इवेंट दैट टीनेजर जो है हमारा जो दिया गया है ऑर्डर्स अ कोल्ड ड्रिंक, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, जो कि है 0.54। एंड थर्ड में बताया गया है एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, इवेंट दैट, सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है। टीनेजर ऑर्डर्स एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट वन आउट ऑफ पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, राइट, तो ये जो है उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें दी हुई है उन्होंने, दैट इज गिवन एज 0.88। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमें पूछा क्या है लास्ट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कमिंग ही इज कमिंग फॉर डिनर ऑन अ पर्टिकुलर डे, देन ही ओनली ऑर्डर्स वन ऑफ द टू आइटम्स, यानी अगर वो पिज्ज़ा ऑर्डर करेगा तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा, और अगर कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेगा तो पिज्ज़ा नहीं ऑर्डर करेगा। तो उस इवेंट को जो है अभी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उस इवेंट को हम सी कह देते हैं, दैट इवेंट दैट ही बताया गया है ऑर्डर्स वन ऑफ द टू आइटम्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, ही ऑर्डर्स पिज्जा बट नॉट कोल्ड ड्रिंक, और ही ऑर्डर्स कोल्ड ड्रिंक बट नॉट पिज्जा। ठीक है, यानी ऑर्डर करता है पिज्जा का, पिज्जा यानी ए, नॉट कोल्ड ड्रिंक यानी उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, और यानी उसे हम कह सकते हैं यूनियन। ठीक है, इवेंट दैट ऑर्डर्स अगर कोल्ड ड्रिंक का करता है तो उसमें वो पिज्जा नहीं मंगवाता है, तो सी इवेंट के लिए हमें ये चाहिए। टेक्निकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज नथिंग बट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश।
एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज नथिंग बट पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वैसे ही डिफरेंस इवेंट कहा जाता है बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो हमारे पास अगर प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो, पी ऑफ ए पी ऑफ बी तो है, तो हमारा काम इजिली कंप्लीट हो जाएगा. इसे हम कह देते हैं रिजल्ट नंबर वन. एंड एज वी नो दैट एडिशन रूल जो है वो कहता है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यहाँ पे इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं हो सकता क्योंकि वो पर्सन पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक दोनों भी मंगवा सकता है. तो वैल्यूज रख देते हैं 0.88, पी ऑफ ए जो है वो हमारे पास है 0.63, पी ऑफ बी है हमारे पास 0.54 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.63, 0.54 माइनस 0.88. सो टोटल अगर करते हैं सो दिस इज 1.17 माइनस 0.88. सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें कहना है, सीधा भी आंसर आप लिख सकते हो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम कर लेते हैं फटाफट. सो 1.17 माइनस 0.88 तो वो हमें मिलेगा 0.29. ठीक है, सो चेक कर लेना है खास वैल्यूज जो हम रखते हैं. तो 0.29 आ गया, सो पुट इट इन वन. अब चाहो तो बच्चों पहले ये इंटरसेक्शन ढूंढ लो फिर ये अप्लाई करो तो भी चलेगा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, उसमें पी ऑफ ए जो है वो है हमारे पास 0.63 माइनस 0.29 रख देंगे हम, प्लस पी ऑफ बी हमारे पास है पी ऑफ बी 0.54 माइनस 0.29 कर देंगे. सो 0.63 माइनस 0.29 तो उसका आंसर है 0.34. सिमिलरली 0.54 माइनस 0.29 तो उसका आंसर है 0.25. तो अल्टीमेटली वो पर्सन कोई भी एक चीज़ मंगवाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.59. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, इसके जैसा एक इलस्ट्रेशन भी है. तो आज आपको जो खास होमवर्क में देखना है सम, उसके अंदर एक एक्सरसाइज 1.3 का सम है वो आप कर पाओगे 11 नंबर, जिसमें तीन यूनिट से रिलेटेड तीन इवेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है. 1.3 में 11 नंबर आप कर पाओगे. ठीक है, वैसे ही इलस्ट्रेशन नंबर अभी जो करवाया वैसा इलस्ट्रेशन नंबर 26 है और इलस्ट्रेशन नंबर 22. तो तीन सम बच्चों आप करना, सेम जो अभी करवाए आज हमने वैसे ही है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स जो है वो और अभी हमें ऑब्जर्व करना है कॉन्सेप्ट, जिसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे आगे वाले लेक्चर्स में हम ऑब्जर्व करेंगे. तो आज के सेशन में बच्चों यहाँ तक का काम रखते हैं. जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस.